हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाईडी टेक्स। दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास सैमसंग का M31S डिवाइस। इसके अंदर वॉल्यूम बटन को प्रेस कर हम आसानी से इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर मैं हेडफोन्स को लगाता हूँ और इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने की कोशिश की तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड के लिए पूछा गया। यानी कि जब भी मैं इस डिवाइस के अंदर हेडफोन्स या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स को लगाता हूँ और वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पासवर्ड के लिए पूछा जाता है। विदाउट पासवर्ड के इसके अंदर मैं वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसके अंदर मैंने वॉल्यूम के ऊपर एक पासवर्ड या फिर आप पिन भी कह सकते हैं वो सेट की है। तो आपके मन में सवाल आया होगा, इसका बेनिफिट क्या है। दोस्तों हम सभी लोग हेडफोन्स या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज़ कर हमारे मोबाइल के अंदर YouTube पे वीडियोस देखते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो वो भी आपको देखकर हेडफोन्स को यूज़ कर सकते हैं और हम उन्हें मना नहीं कर पाते। लेकिन जब भी वो हेडफोन को यूज़ करते हैं हमें पता नहीं चलता कि मोबाइल की वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम कर लेते हैं तो उनके कान खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से पासवर्ड या फिर पिन लगाकर हम उनके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम को सर्च करना है। जैसे आप वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर की तरफ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मीडिया वॉल्यूम लिमिट। यहाँ पर आपको इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कस्टम वॉइस लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसके अंदर आप लिमिट को सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसे कम कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको पिन को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन कर देना है। और उसके बाद आपको आपके पिन को सेट कर देना है, तो यहाँ पर मैं अपने पिन को सेट कर देता हूँ। तो बस हो गया। इसके बाद जैसे आप इसके अंदर हेडफोन्स को लगाकर वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड या फिर पिन के लिए पूछा जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक्स।